मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, आप लोगों का एक बार फिर से वेलकम है मेरे चैनल पर। आज हम लोग जेनेटिक्स में एमसीक्यू क्वेश्चन लगाएंगे। ज़्यादातर चीज़ें हम लोग जेनेटिक्स में कवर कर चुके हैं, उसमें से कुछ चीज़ें हम लोग चलते हैं क्वेश्चन के थ्रू समझ लेते हैं। विच टर्म इज़ यूज फॉर कंपरेटिव फॉर्म ऑफ जेनेटिक ट्रेट और फैक्टर ऑफ दीज वेरियंट। कह रहे कौन सा टर्म परिभाषिक शब्द ऐसा है जो अनुवांशिकी लक्षणों के तुलनात्मक रूप यानी कंपरेटिव फॉर्म के लिए यूज़ किया जाता है जीन के जगह पर। तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है फिनोटाइप, होमोजाइगस, हेटरोजाइगस, एलील। मींस दृश्य रूप, विषम युग्मजी, सम युग्मजी और एलील्स। आपको पता है दृश्य रूप तो हो नहीं सकता है, फिनोटाइप तो हो नहीं सकता, हेटरोजाइगस भी नहीं हो सकता, होमोजाइगस भी नहीं हो सकता, सम युग्मजी भी नहीं हो सकता और एलील्स इसका राइट आंसर है। क्योंकि एलील्स जो है ये जीन का अल्टरनेट फॉर्म है जो क्रोमोसोम पर प्रेजेंट होते हैं और जीन की जगह पर जो टर्म यूज़ किया जाता है वो एलील्स ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं इफ़ जीन ऑफ कंपेरेबल फॉर्म ऑफ अ जेनेटिक ट्रेट फाउंड देन ओनली वन ऑफ दीज ट्रेट डेवलप एंड नॉट द अदर, विच लॉ इज कॉल्ड दीज। ठीक है, इसको मैं हिंदी में आप लोगों को समझाती हूँ। कह रहे हैं कि यदि हम तुलनात्मक लक्षण वाले जेनेटिक ट्रेट यानी अनुवांशिक लक्षण लेते हैं, ठीक है, अनुवांशिक लक्षणों के तुलनात्मक रूप या कंपेरेटिबल फॉर्म लेते हैं तो उसमें से एक ट्रेट डेवलप होता है और दूसरा ट्रेट डेवलप नहीं होता, तो ये क्या है? ठीक है, कौन से लॉ को रिप्रेजेंट कर रहा है? लॉ ऑफ डोमिनेंट, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ हेरिडिटी या फिर प्रोसेसिंग ऑफ रिस्ट्रिक्टिव फैक्टर। तो आपको पता है कि जब दो अपोजिट कैरेक्टर लेते हैं, है ना, एक टॉल लेंगे और एक क्या लेंगे, ड्रॉफ लेंगे, ठीक है, एक टॉल लेंगे और एक ड्रॉफ लेंगे, तो इन दोनों में से वही कैरेक्टर अपीयर होगा, वही कैरेक्टर अपीयर होगा जो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और ज़्यादा प्रभावशाली होगा, है ना, अकॉर्डिंग टू मेंडल लॉ। है ना, कहने का मतलब है केवल टॉल कैरेक्टर अपीयर होगा जो कौन सी लॉ को रिप्रेजेंट करता है, लॉ ऑफ डोमिनेंट को। तो यहाँ पर क्या सही हो जाएगा, प्रबलता का नियम या लॉ ऑफ डोमिनेंट। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग, क्रॉसिंग अकर इन बिटवीन। कह रहे हैं कि अगर संलयन कराया जाता है रेड प्लांट, रेड फ्लावर वाले प्लांट यानी लाल पुष्प वाले पौधे जिसका जेनेटिक फॉर्म या जीनोफॉर्म क्या है, कैपिटल आर क्रॉस कराया जाता है इसका वाइट फ्लावर वाले प्लांट के साथ जिसका जीनो टाइप क्या है, स्मॉल आर। तो कह रहे हैं देन पिंक कलर फ्लावर R अपीयर। तो उससे क्या होता है, गुलाबी रंग का फ्लावर अपीयर होता है जो पिंक कलर का होता है ऑफस्प्रिंग में, है ना। तो कह रहे हैं इट प्रूव दैट आर जीन, इसमें क्या शो कर रहा है कि आर जीन क्या है, ये आपको याद होगा इनकम्प्लीट डोमिनेंस में हमने आप लोगों को पढ़ाया है। तो डोमिनेंट होता, अगर डोमिनेंट होता तो पूरा का पूरा दोनों में से कोई एक कैरेक्टर आता, यानी कि अगर रेड फ्लावर और वाइट फ्लावर ले रहे हैं तो दोनों में से या तो रेड आता या तो वाइट आता, लेकिन यहाँ पर अपीयर क्या हुआ है, पिंक कलर, जो ये शो कर रहा है कि ना तो पूरी तरह से रेड को अपीयर होने दे रहा है ना ही पूरी तरह से वाइट को अपीयर होने दे रहा है। तो हाइब्रिड भी नहीं होगा, ठीक है, क्या होगा यहाँ पर, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, क्या होगा, इनकम्प्लीट डोमिनेंट, म्यूटेशन तो हो ही नहीं सकता ना। म्यूटेशन क्या होता है, जब कोई कैरेक्टर अचानक से जीन अपीयर हो जाता है तो उसको म्यूटेशन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि संकर पौधों से बने संतति पौधे होते हैं, ऑफस्प्रिंग प्लांट फॉर्म्ड फ्रॉम हाइब्रिड प्लांट्स क्या कहलाते हैं, सेग्रीगेट्स कहलाते हैं या प्योर ब्रीड कहलाते हैं या जनकी पौधों के समान यानी अलाइक विथ पेरेंट प्लांट यानी पेरेंट प्लांट के एक तरह होते हैं या इसमें से कोई नहीं। ठीक है, तो जो हाइब्रिड प्लांट होते हैं जैसे कि टॉल और ड्रॉफ, पूरी तरह से तो पेरेंट से मिलते नहीं हैं, क्योंकि अगर एक टॉल प्लांट हम लोग ले रहे हैं और एक ड्रॉफ प्लांट ले रहे हैं
तो टॉल प्लांट का जीन कैपिटल टी होता है, ड्रॉप प्लांट का जीन स्मॉल टी होता है। जब इनके बीच क्रॉसिंग होती है तो आधे जीन यहाँ से आते हैं, आधे जीन इस तरफ से आते हैं, है ना। तो ये तो होमोजाइगस जीनोटाइप रिप्रेजेंट कर रहा है, ये भी होमोजाइगस रिप्रेजेंट कर रहा है, लेकिन जो हाइब्रिड आया है वो क्या है, हेट्रोजाइगस है ना। यानी जो हाइब्रिड प्लांट होगा क्या वो एज इट इज़ अपने पेरेंट जैसा होगा? नहीं। तो यहाँ पर क्या है, ये सेग्रीगेट्स है, ठीक है, अलग हो करके आया है हाइब्रिड। तो यहाँ पर प्योर ब्रीड भी नहीं हो सकता है, क्या होगा, सेग्रीगेट होगा, क्या होगा, सेग्रीगेट होगा हाइब्रिड प्लांट। नेक्स्ट बोल रहा है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस, वंशागतिकी की इकाई, ये आपको पता है वंशागतिकी की इकाई क्या होती है, गुणसूत्र क्रोमोसोम होते हैं, क्रोमोसोम तो होते नहीं हैं, पूरा क्रोमोसोम, जीनोटाइप भी नहीं होता है, फिनोटाइप जो बाहर से कैरेक्टर रिप्रेजेंट होता है ये भी नहीं होता है, क्या होता है, जीन होता है। जीन जो है वो किसी कैरेक्टर को एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में लेकर जाते हैं, इसीलिए जीन को क्या बोलते हैं, यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संतान का पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं, संतान को, है ना, संतान को अपने पिता से कितने जीन प्राप्त होते हैं, हाउ मैनी जीन्स आर ऑब्टेन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम हिज पेरेंट, यानी कोई भी ऑफस्प्रिंग अपने पेरेंट से कितने जीन ऑब्टेन करता है, बताइए, आप लोग सोचिए थोड़ा इसको क्या होगा। ये हमने कराया है क्लास में, मेरे लेक्चर आप लोग ज़रूर देखिएगा और मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूलिएगा, ताकि आगे मैं और अच्छे अच्छे वीडियो अच्छे तरीके से बनाती रहूँ। सब्सक्राइब शेयर और वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा, नहीं तो आपको बातें बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी, लगेगा कि पता नहीं क्या बोल रही हैं, लेकिन जब पूरी वीडियो देखोगे तभी बातें आपको क्लियर होगी। तो क्या बोल रहे हैं, हाउ मैनी जीन्स आर ऑब्टेन ऑफस्प्रिंग फ्रॉम हिज पेरेंट, कितने पेरेंट्स, अब पेरेंट नहीं होगा यहाँ पर, हिज फादर होगा, यानी कोई भी ऑफस्प्रिंग अपने फादर से कितना जीन ऑब्टेन करता है। हमने आप लोगों को बताया था कि किसी भी ऑफस्प्रिंग में टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 46 होते हैं, ठीक है, अगर मेल है, मेल यानी अगर फादर है तो फादर में क्या होगा, 44 प्लस XY, और यही फीमेल यानी मदर होती तो मदर में क्या होता, 44 प्लस XX हो जाता है ना, अब इधर समझते हैं, तो 44 प्लस XX और 44 प्लस XY, ये फादर का जीन है और ये मदर का जीन है। वैसे तो आप लोगों को आंसर तुरंत बताना चाहिए, लेकिन हम एक बार आप लोगों को समझा देते हैं। अब जब गैमेट का फॉर्मेशन होगा तो जीन क्या होंगे, क्रोमोसोम नंबर क्या होंगे, हाफ हो जाएंगे, यानी कि 44 का आधा कितना हो जाएगा, 22, और एक एक्स यहाँ से निकल कर आएगा, हाफ हो जाएगा। ये जो है ये ऑटोसोमल क्रोमोसोम है, ये हेट्रोसोमल क्रोमोसोम है ना, 22 प्लस एक्स यहाँ से निकल कर आएगा, आधा गैमेट 22 प्लस एक्स, इधर देखिए इधर से हाफ गैमेट निकल कर आएगा 22, और इधर से हाफ आएगा 22 प्लस एक्स, इधर से फिर हाफ गैमेट का जब फॉर्मेशन होगा 22 प्लस वाई, है ना। अब देखिए, हम अगर मान लो कि ये वाला एग ये वाले स्पर्म से फ्यूज होता, ठीक है, तब जो क्रोमोसोम बन, जो ऑफस्प्रिंग बनता या जाइगोट बनता, उसमें कितने क्रोमोसोम आते, 44 तो होते ही दोनों को प्लस करके, साथ ही एक्स एक्स कितना हो जाता, 46, है ना। फिर एक बार इसको इस वाले से क्रॉस कराएंगे तब क्या होगा, 44 तो आएगा ही आएगा, एक्स प्लस ये क्या है, वाई, क्या हो जाएगा, एक्स वाई, ठीक है। अब इस वाले को इससे क्रॉस कराएंगे तो आपका आएगा 44 प्लस एक्स, फिर इस वाले को इससे क्रॉस कराएंगे तो आपका आएगा 44 प्लस, सॉरी, इस वाले को इससे क्रॉस कराया तो 44 प्लस एक्स एक्स, और इस वाले को इससे क्रॉस कराया तो 44 प्लस एक्स वाई। ये आपको मेरे लेक्चर में मिल जाएगा, हमने इसको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया है, तो वहाँ पर आप एक बार समझ कर देख लीजिएगा। अब
टोटल हम क्या करेंगे यहाँ पर, इसको 100% में डिवाइड करेंगे, है ना। जब 100% में डिवाइड करेंगे तो 1, 2, 3, 4 है, 25% आएगा, है ना। यानी 25% ये है, 25% ये है, 25% ये है, 25% ये, टोटल ऐड करो तो टोटल निकल करके आपका कितना आया, 100% आया, है ना। तो अब देखिए क्या बोलना है कि ऑफस्प्रिंग क्या है, ऑफस्प्रिंग ये होगा, है ना, ये जो बन रहे हैं ये सब बच्चे हैं, क्या है, ऑफस्प्रिंग है, यानी संतान है। तो एक संतान को अपने पेरेंट से यानी अपने फादर से कितना परसेंट क्रोमोसोम मिल रहा है, कितना परसेंट उसका इन्वॉल्वमेंट है फादर का, केवल 25%, है ना। कितना परसेंट इन्वॉल्वमेंट है, ओनली 25% इन्वॉल्वमेंट है जीन का, बाकी सारा जीन जो है, ठीक है। तो कितना जीन का इन्वॉल्वमेंट है, अभी हमने पीछे आप लोगों को समझाया, 75 भी नहीं होगा, 50 भी नहीं होगा, 25 से 50 भी नहीं होगा, क्या हो जाएगा, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है, द्विशंकर संकरण में F2 पीढ़ी में दृश्य रूप अनुपात होता है, कहने का मतलब फीनोटिपिक रेशियो बताना है आपको, दृश्य रूप अनुपात यानी फीनोटिपिक रेशियो बताना है। F2 जनरेशन यानी सेकेंड जनरेशन में डाई हाइब्रिड क्रॉस के दौरान कितना ऑप्टेन होता है किसी ऑक्सफ्रिंग में, है ना, उससे बनने वाली ऑक्सफ्रिंग में नंबर ऑफ ऑक्सफ्रिंग बनती है। तो अगर आपको पता है फट से कर लोगे, 9:7 होगा नहीं, 15:1 होगा नहीं, 13:1 होगा नहीं, 15:1 भी नहीं होगा, 13:1 भी नहीं होगा, क्या होगा, 9:3:1, यही है क्या आपका लॉ डाई हाइब्रिड क्रॉस, है ना, जो किसके ऊपर बेस है, लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट, ठीक है। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा MCQ। जो बातें नहीं समझ में आई आप कमेंट्स में कमेंट्स करके हमसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि मैं और अपने लेक्चर में क्या सुधार कर सकूं। और फिर से मैं एक बार कहूँगी आप लोगों से, मेरे चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए, ताकि जैसे ही कोई नोटिफिकेशन आता है, कोई वीडियो डालते तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। ओके, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।